आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको इसलिए हमने तकलीफ दिया जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहां की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहां के शिवसेना के एमएलए को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहां से हटाए, गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहां के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहां से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीजें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहां पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूं मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहां के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहां पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, दूसरा एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहां पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहां पर करने के लिए हम तैयार हैं।